किसी ने क्या खूब कहा है, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो, आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि व्यक्ति को अपना कार्य करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अपना काम स्वयं करें। एक बार एक ट्रेन बंगाल में एक देहात स्टेशन पर रुकी। गाड़ी रुकते ही एक सज्जन उस ट्रेन से उतरे और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उस सजे धजे युवक ने कुली कुली पुकारना प्रारंभ किया। युवक ने बढ़िया पतलून पहन रखा था, पतलून के रंग का ही उसका कोट था, सिर पर टोपी थी, गले में टाई बंधी थी और उसका बूट चमचम चमक रहा था। देहात के स्टेशन पर कुली तो होते नहीं है। बेचारा युवक बार बार पुकारता रहा और इधर उधर हैरान होकर देखता रहा। उसी समय वहां सादे स्वच्छ कपड़े पहने एक सज्जन आए। उन्होंने युवक का सामान उतार लिया। युवक ने उनको कुली समझकर डांटते हुए बोला, तुम लोग बड़े सुस्त होते हो, मैं कब से पुकार रहा हूं। उस सज्जन ने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक के पास हाथ में ले चलने के लिए एक छोटा बक्सा यानी हैंडबैग था और एक छोटा सा कपड़ों का बंडल था। उसे लेकर युवक के पीछे पीछे वो सज्जन उसके घर तक गए। घर पहुंचकर युवक ने उन्हें देने के लिए जैसे ही पैसे निकाले, लेकिन पैसा लेने के बदले वे सज्जन पीछे लौटते हुए बोले, धन्यवाद। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसा कुली है कि वो बोझा उठाकर भी पैसा नहीं लेता और उल्टे धन्यवाद देता है। उसी समय वहां उस युवक का बड़ा भाई आ गया। उसने जैसे ही उस सज्जन को देखा जो सूट बूट पहने उस युवक का सामान लेकर आए थे, उस सज्जन को देखते ही उसके मुंह से निकला, अरे आप। जब उस युवक को पता लगा कि जिसे उसने कुली समझकर डांटा था और जो उसका सामान उठाकर उसके घर लाए थे, वह दूसरे कोई नहीं थे, वह तो बंगाल के प्रसिद्ध महापुरुष और एक समाज सुधारक पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। वह युवक लज्जा के कारण उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। युवक बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे महापुरुष के साथ मैंने इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया। ईश्वरचंद जी ने उसे उठाया और कहा, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, हम सब भारतवासी हैं, हमारा देश अभी गरीब है और सभी को अपना जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मैंने आपका सामान किसी धन के लोभ में नहीं उठाया, बल्कि मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए आपका सामान लेकर आया हूं। हमें अपने हाथ से अपना काम करने में लज्जा क्यों करनी? अपना काम कर लेने में तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। हमें सदा अपना काम स्वयं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो हम अपना काम स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें सुबह 5:30 बजे। इसलिए प्रेस बेल आइकन।